तो ये छोटा है, मरल संकोच नहीं करेगी इसको पकड़ने में। ये आया आया आया, खास करके ऐसे घासों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन लूर है ये। गिरते से पकड़ लिया इस कीड़े में, पकड़ने का कारण यही है, पकड़ने में जरा भी संकोच नहीं कर रही ये कीड़े के कारण। दोस्तों बारिश में पानी भर जाता है और कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और पानी लाल हो गया था। हमारा सोच ये है कि आए हैं झाड़ियों में पानी घुसा है पूरा, पानी लाल होने के कारण उतना उनको शिकार नहीं होता है क्योंकि दिखता नहीं है जल्दी, बारीक मच्छी या फ्रॉग वगैरह नहीं दिखता है। और दूसरे तीसरे दिन जब पानी क्लियर होता है तो मरल बहुत ही अग्रेसिव होता है, तो वो हिसाब से झाड़ियों में जैसे पानी है घुसा हुआ और झाड़ियों में ऐसे ऐसे कीड़े देखने को मिलेंगे आपको इस प्रकार के। ये कीड़ा है तो ये कीड़े टाइप में है, एकदम छोटा है और बहुत ही बेहतरीन है। ऐसी जगहों में पत्तों में चलाना है हमें खास करके, तो मरल को ज्यादातर लगता है कि जब ये गिरता है ना तो ऐसा लगता है कि वो झाड़ियों में से कोई कीड़ा गिरा, वो पकड़ने में जरा भी संकोच नहीं करता है तो पकड़ ही लेता है। तो आज ये अपनी एक सोच है कि इससे पकड़ेंगे, देखेंगे कैसा अटैक होगा। और सोहेल सादा फ्रॉग लगाएंगे, अगर उससे ज्यादा इसमें अटैक मिलते हैं तो अपना जो सोच है समझ लो कि सक्सेसफुल रहेगा। तो ये छोटा है और मरल संकोच नहीं करेगी इसको पकड़ने में, बहुत ही जल्दी पकड़ लेगा। और अपना जैसे कि रॉड मेरा फेवरेट वही है, फिशा होलिक का डेडली हंट, 6.6 फीट में है। मैं अभी इतने दिनों से खेल रहा हूँ, गजब का फील है, बहुत बेहतरीन है। अभी तो मार्केट में शॉर्ट है लेकिन जब आएगी तो अवेलेबल जरूर कराऊंगा। जब माल अवेलेबल कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये फरहान भाई का कैटलॉग नंबर बाकी दे दे रहा हूँ, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलो गेम चालू करते हैं अपन। ये लूर रहेगा बहुत ही बेहतरीन, ये दबता भी है इतना, लेकिन गल कमजोर लग रहे हैं, इसके हुक्स कमजोर लग रहे हैं। तो ऐसी पत्तों में ये मिल जाता है ये देखो, और इसके लिए मरल को लगता है एक मामूली कीड़ा है। और ये जो पत्ते है ऐसे ऐसी ही झाड़ियों में खेलना है अपने को। अरे गिरते से पकड़ लिया, इसके लिए अटैक दिखा नहीं होगा, मेरे को चाल दिख गया था, अकेले साइज छोटा है बट ठीक ठाक है। जूम आउट कर लें, ये देखो छोटा का है तो है। ये देखो दोस्तों अच्छी साइज, एक पहला नग होते हुए, जैसे कि मैंने बताया ये फ्रॉग के बारे में, कीड़े के बारे में, तो वही बात है जो मैंने बताया। देखो कैसे चिपका हुआ है गल, तो कैसा तोड़ता, ये डायरेक्ट उसमें रख ना, इसका प्रिंट वगैरह देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। दबा कर दबा, हुक निकालने देना, दिखाने देना गल, तो इस तरह से गल इसका निकाल। ये कीड़ा समझ के कतिल गया, गिरते से पकड़ लिया इसके लिए अटैक। अरे कतिल चलेगा, कैसे कास्ट हो रहा है तेरे पास, गिरते से इतना बेहतरीन पकड़ा उसने, गिरते से डायरेक्ट। हाँ अटैक वटैक थोड़ी हुआ, मेरे को लगा कोई चीज में अटका क्या, तुमको दिखा भी नहीं पकड़ती नहीं। अब ये देखते हैं ना कास्टिंग होता कि नहीं होता, चलो बैट कास्टिंग है करके हो जा रहा है, इधर घुसे होंगे ना। हाँ कीड़े में पकड़ने का कारण यही है, बड़ा अगर फ्रॉग इस्तेमाल करेंगे ना अपन तो इसको रखना है, रिलीज करना है, रिलीज करते इसको। ये देखो छोटा सा है, ये पकड़ने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे ये कीड़े के कारण। ये देखो कीड़ा दिख रहा, फ्रॉग नहीं, ये तालाब में जैसे कि बताया मैंने फ्रॉग है नहीं, और कोई भी हरकत करने वाली कीड़े वगैरह खाते हैं ये। साइज देखो कितना छोटा, तब भी नहीं लगा अपना इतना छोटा, और उसको पकड़ लिए ऐसा। फिर अरे तो इधर फंस जाएगा रे बेटा, चल ना तेरे को छोड़ रहा हूँ मैं, आजा चल आजा, बड़ा होके आना मेरे पास। हाँ तो देखिए अभी दूसरा फटाफट पकड़ लिया, और फ्रॉग चलाए थे हम कल, अटैक हुआ नहीं तो कुछ, पानी भरे बाद पूरा घास में आ गई है।
पानी पूरा घासों में आ चुका है ना। देखिए चक्कर नहीं तो किधर किधर जा रही। सेम फ्रॉग में से है, सेम है वो लूर कीड़े वाला, बट उसका कतील निकल गया था, इसको लगाते वाइट वाला। पीले में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है हमारा, लेकिन अब नहीं, काम ही नहीं कर रहा तो क्या करेंगे, बदलना तो पड़ेगा। झुक जा। अरे व्हाइट टी शर्ट पहना है रे, आते आते लगता है अपने को देख लिया। अरे साइड में, अरे यार निकल गया रे, निकल गया बॉस, निकल गया रे। ये सब धागा उसके ऊपर से फंस जाता है ना, इसलिए घाव सीधा नहीं बैठा। इसका मुंह कम दबाया हुआ है, या 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 दाएं। अरे थोड़ा सा लगा हुआ है, कीड़े का कमाल। ये देखो कीड़े का कमाल, अपना फ्रॉग तो नहीं बोल सकते, कीड़े का कमाल है। तो ये है अपना कीड़े का कमाल, रुक जा। अपना तेरे मुंह में गल है, मेरे को भी देंगे तू दबका। कैसा बाहर से लगा हुआ है, और ये कीड़ा देख सकते हो किस तरह से गोल हो चुका है। इसमें एक्चुअली कतिल बहुत अच्छा लगा रहता बाहर से, और ये दबता है बहुत अच्छा से, लेकिन कतिल में थोड़ा सा पावर तो होना चाहिए, निकल जाता। रुक। यही था, ये अपना दूसरा नग है। साइज आज छोटे लग रहे, मसला ये था कि हम फ्रॉग जो बड़े बांध रहते हैं तो बड़े ही अटैक कर रहे थे, और मैंने छोटा लगाया, कोई भी साइज अटैक करेगा इसके ऊपर। तो ये अपना तीसरा नग रहा आज का, सुराग है। ये अपना कीड़ा, फ्रॉग तो बोल नहीं सकते क्योंकि फ्रॉग है ही नहीं ये। ये कतिल बाहर से लगने के कारण कैसा पूरा दबता है ना, ये पूरा दबता है। ये एक और वो इसमें है, इधर से मार दो। ये इधर ही घूम रहा है दानिश, वो फर्रा दिखा, फर्रा। ये देख चाल दिख रहा, हिलन दानिश देखा, देखना चौक आएगा, ये अटैक करेगा। देखा
कैमरा बंद से चालू कर, चालू से बंद कर दिया था मैंने GoPro। हाँ, खेलते हुए दिख गया था। ये देखिए आज का कीड़े का कमाल, क्योंकि देखो कीड़ा का रीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शादाब भी आया, सोल भी आया, फ्रॉग में एक भी नहीं लगा। इस पर धड़ाधड़ अटैक चालू है, तो अपन इसका ही अभी आज पकड़ेंगे ना, कि इस पर ही है करके अटैक करें, क्योंकि एक बार आया तो पकड़ा नहीं, वो दूसरे बार में पकड़ लिया था पाक करके। दादा थैली ला रहे, ये अपना तीसरा नग होगा आज का, ये चौथा है ना। अच्छा हाँ, चौथा कैसा, क्या बोल रही थी? अरे छोड़ा ना उसको, रिलीज किया छोटे को। ये अपना चौथा नग, चौथा नग अपना ये। वाकई में दोस्तों ये है, मैं एक्चुअली ये सोच के ही लाया था क्योंकि झाड़ियों में अभी सब पीले पीले झाड़ी देख रहे हैं, इसमें कीड़े वगैरह पीले रहते हैं ना, पीले सफ़ेद ये सब, तो उस हिसाब से मैंने लाया था। और जो सोच है वो सोच सक्सेस हुआ, देखो ना एकदम से कितना कैसा दिख रहा, गजब का। कभी भी ऐसी झाड़ी दिखेगा ना, अक्सर मछलियाँ रहती है उसके नीचे, थोड़ा सा घास वगैरह भी रहा, एक रुकने के हिसाब से उनको सही जगह लगता है, तो वो इर्द गिर्द में ज़्यादा घूमती है। तो कभी भी ऐसा झाड़ मिल गया पानी किनारे पे या बबूला पानी के बाहर भी रहा, तो भी आप एक बार जरूर ट्राई करना उसी जगह पे, क्योंकि उस जहाँ पे उसकी छाव गिरती है ना, अक्सर स्नेक हेड उधर घूमता है और पेड़ के पास इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें से कीड़े वगैरह जब गिरते हैं तो वो पकड़ने के लिए रहता है ज़्यादातर। यार झाड़ी से जैसे झाड़ी में अटका हुआ था फ्रॉग, अंदर ही पकड़ लिया इसके लिए थोड़ा। अरे यार हो गया था काम उतना, ओह अंदर ही अंदर पकड़ लिया था उसने फ्रॉग को, कैसा कर दिया मैंने, देखो हुक भी खुले हैं, ये थोड़ा सा गल सीधा हो गया, पीछे आ गई है। आपको अगर ये चलाना है, अगर आप ये लेंगे कहीं मिल रहा आपको, अगर लेंगे तो आपको बेट कास्टिंग ही सेटअप लगाना पड़ेगा। तो आज साइज छोटे लगे, 1.5 किलो ये, वो 2 किलो होगा, देखो 1.5 किलो पूरा पूरा। ये 2 किलो है, 70 ग्राम का 2 किलो। तो ये अपने नग रहे आज के, अब पूरा कीड़े से पकड़े अपन ने। तो दोस्तों कीड़ा सिर्फ यहाँ पे मिलेगा आपको गैलेक्सी फिशिंग टैकल स्टोर में, और सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है, सारे कलर। और वाइट में 2 शेड हैं, ये ग्रीन है, और पीले में 2 शेड है, सारे कलर अवेलेबल हैं यहाँ गैलेक्सी में। फरहान भाई से पूछेंगे इसका रेट क्या होने वाला है, और रिजल्ट तो आप देख चुके हो, इसका रेट देखना चाहेंगे अपन कि क्या रेट मिलेगा। फरहान भाई इसका रेट, ये सिंगल पीस 170 का आएगा, और जो ऑनलाइन लेना है तो कम से कम मिनिमम 3 पीस ऑर्डर करना पड़ेगा, और 3 पीस का आपको 500 रुपीज़ लगेगा। अच्छा अच्छा, 500 में 3 पीस। ये कीड़े का कैटलॉग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करना जानते हैं तो स्क्रीन में आपको ये नंबर दिख रहा होगा गैलेक्सी का, आप सबसे पहले आपके फ़ोन में गैलेक्सी के नाम से ये नंबर सेव, 9371716071, उसके बाद आपको व्हाट्सअप में जाके सर्च करना है गैलेक्सी, उसके बाद आप देख सकते हैं गैलेक्सी के ऊपर जो है कैटलॉग का एक निशान है, यानी दुकान का चिन्ह जैसा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा प्रोडक्ट दिख जाएगा। कैटलॉग में आके वो ढूंढना पड़ेगा कीड़ा किधर भी है, उसके बाद वो प्लस का निशान है उसमें जाके आप क्वांटिटी वगैरह सेलेक्ट करके कितना पीस चाहिए सेलेक्ट करके इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जिसे भी ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, पेमेंट का कंफर्मेशन कर दीजिए, उसके बाद आपका जो भी एड्रेस वगैरह रहेगा उसमें भेज दिया जाएगा, माल गारंटी से मिल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम पूरा माल का बताएंगे क्या है क्या नहीं, बस ये सिर्फ अपने को ये कीड़ों बताना था इसके लिए, बाकी फरहान भाई के पास पूरा वैरायटी है, अभी भरना चालू है, माल आना चालू है। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन सही मिला होगा आपको।